अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोहा और आप सब हैं इस वक्त मेरे चैनल पर। प्यारे वीडियोस, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें। सर्द जहन्नुम। अरे ओ सुलेमान के बच्चे, कहाँ हो तुम? अभी तक चाय क्यों नहीं दी मुझे? तुम्हें मालूम है कि मुताले के दौरान जब तक मैं 10-12 कप चाय ना पी लूँ मुझे मुताले का मज़ा नहीं आता। इमरान ने चिल्लाते हुए सुलेमान को आवाज़ दी, जो काफ़ी देर से किचन में न जाने क्या कर रहा था और इमरान किताबों का मुताला करते हुए चाय का इंतज़ार कर रहा था और इसे चाय की सख्त तलब महसूस हो रही थी। और सुलेमान था कि 1 घंटे से इसके लिए किचन में चाय बनाने गया था और अभी तक किचन में ही फंसा हुआ था। आजकल चूँकि कोई केस नहीं था और रावी चैन ही चैन दिख रहा था, इसलिए सीक्रेट सर्विस समेत इमरान भी फारिग था और मामूल के मुताबिक मुख्तलिफ मालूमाती किताबों से ही अपना टाइम पास कर रहा था। और मुताले के दौरान इमरान ने सुलेमान से कह रखा था कि वो हर आधे घंटे के बाद इसके लिए चाय बनाकर दे दिया करे, क्योंकि चाय के साथ मुताला करने से इसका हाफ़ज़ा तेज़ होता है और वक्त भी अच्छा पास होता है। सुलेमान भी इमरान के कहने पर इससे मुताले के दौरान चाय बनाकर दे देता था, मगर मालूम नहीं आज सुलेमान को क्या हो गया था कि इसने किचन में चाय बनाते हुए इतनी देर लगा दी। और इमरान इसके इंतज़ार में इसे कोस रहा था, लेकिन आखिरकार इसके सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया था और इसने चिल्लाकर सुलेमान को आवाज़ दी, क्या बात है साहब, इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्यों इतना चिल्लाकर दूसरे फ्लैट वालों का सुकून तबाह कर रहे हैं? सुलेमान ने किचन से लगते हुए जवाब दिया। इसके हाथ में चाय की बजाय दूध का गिलास था जो इसने इमरान के सामने पड़ी हुई टेबल पर रख दिया। अरे प्यारे, मैंने तुम्हें चाय बनाने को कहा था और तुमने इतनी देर लगाकर ये खाली दूध ही मुझे पेश किया है, इमरान ने हैरत से आंखों से चश्मा ऊपर करते हुए कहा। क्योंकि इमरान आजकल मुताले के दौरान हल्के नंबर का चश्मा भी इस्तेमाल करने लगा था। साहब, आप खुद तो बीमार हो चुके हैं, मुझे भी बीमार करेंगे, इसलिए छोड़ दें इन बीमार चीज़ों को पीना और अच्छी और गजायत से भरपूर चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। सुलेमान ने इमरान की तरफ देखकर हाथ नचाकर बड़े बूढ़ों की तरह इसे मशवरा देते हुए कहा, ओ बवरचन की औलाद, कौन सा मैं बीमार हो गया हूँ और कौन सी बीमारी मुझे लग गई है? सुलेमान ने इमरान की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कौन सी गजायत वाली चीज़ें मुझे पेश कर रहे हो? इमरान ने हैरत से किताब एक साइड पर रख दी। साहब, आप हर वक्त चाय का रोना रोने लगते हैं और हालांकि ज़्यादा चाय पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है और इससे नज़र भी कमज़ोर होती है, इसलिए तो मैं आज आपके लिए चाय की बजाय दूध लाया हूँ और इस दूध में किशमिश, गरी और बादाम मिक्स करके और शहद मिलाकर दूध में डाला है और ये गजायत से भरपूर मशरूब बन गया है और इसके पीने से आपके कुंद जहन अक्ल भी तेज़ हो जाएगी। जो हर वक्त आप पूरी दुनिया के सामने रोना रोते रहते हैं कि मेरा मोहतरम बावर्ची आगा सुलेमान पाशा साहब अलमरूफ परिंस का चांद मुझे मुँह की दाल खिलाते रहते हैं, हालांकि इस मूंग की दाल खिलाने से ही आपके मोटे दिमाग में नए नए आइडिया आते हैं और मेरी दिलबर जानिए भी आपकी अक्ल की शदाई है, सुलेमान ने मुंह बनाकर कहा। अरे कौन सी दिलबर जानिया, मेरी अक्ल पर तेरी मूंग की दाल खिलाने पर आशिक हो गई है। और बावर्ची के बच्चे, मैंने तुझे चाय बनाने को कहा था और तूने दूध में मालूम नहीं क्या क्या मिलाकर मुझे पेश कर दिया है। इस बार इमरान गुस्से के साथ हैरत से सुलेमान की तरफ देख कर कहा, जो न जाने अपनी किस दिल पर जानिया का जिक्र करके बैठा था। और अपने और इसके लिए चाय बनाने की बजाय दूध में क्या क्या मिलाकर इसके लिए लाया था और फिर बहस के मूड में आ गया था। साहब, मेरी जो भी दिलवर जानिया, इसका आपको मालूम हो जाएगा, मगर जब आपका हाफसा तेज़ होगा, मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि ये बार बार चाय के चक्करों को छोड़कर अच्छी और गजायत वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया करें। जिससे आपके दिमाग में मुझ अजीम शख्स की तरह बड़े बड़े अच्छे आइडिया आया करें। सुलेमान ने इमरान के गुस्से की परवाह ना करते हुए मुंह बनाकर जवाब दिया, जैसे इसे इमरान की सेहत की बहुत परवाह हो। अरे मेरे मोहतरम प्रिंस का चांद साहब, आप ज़रा जानना पसंद करेंगे कि मैं अपनी सेहत की परवाह क्यों नहीं करता। और आप जैसे मोहतरम गधे, ओ मेरा मतलब है मोहतरम प्रिंस को आज मेरी सेहत की इतनी परवाह क्यों हो रही है। इस बार इमरान भी गुस्से की बजाय मुस्कुराते हुए पूछा, और वो भी सुलेमान के साथ बहस के मूड में आ गया था। साहब, आप हर वक्त कर्नल फरीदी साहब का रोना रोते रहते हैं कि इन्हें अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं है और जब देखो पाइप पीते रहते हैं। और इसी तरह डॉक्टर साइमन साहब का रोना रोते रहते हैं कि वो सुगार पीते रहते हैं, और चूंकि पाइप और सुगार दोनों में ही तंबाकू का इस्तेमाल होता है, और आप दोनों अजीम इंसानों का रोना रोते रहते हैं और अपनी सेहत की आपको ज़रा भी परवाह नहीं है, जो हर वक्त चाय का रोना रोते रहते हैं। हालांकि चाय में निकोटीन होती है और इसके ज़्यादा इस्तेमाल से नुकसान होता है, सुलेमान ने मुँह बनाकर जवाब दिया। तो इमरान हैरत से सुलेमान को देखने लगा, जो बात तो गलत कर रहा था। अरे ओ बावर्ची की औलाद, आज तुझे हो क्या गया है जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इमरान ने हैरत से दीदे मटकाकर इससे पूछा। साहब, इसलिए तो आपको कह रहा हूँ कि ये दूध पी ले, वरना ये मेवा जात भी आपके नसीब में नहीं होंगे जो आप पिछले हफ्ते लाए थे। सुलेमान ने फयाजी से इमरान को मशवरा देते हुए कहा। क्या मतलब? मैं इतने सारे खुश मेवाजात पिछले हफ्ते लाया था, वो कहाँ हैं? क्या ये गिलास उम्र यार की जंबील है जो मेरे गुज़श्ता हफ्ते के लाए हुए सारे खुश मेवाजात इस गिलास में चले गए? इमरान ने इस बार संजीदा लहजे में पूछा, क्योंकि इमरान अपने लिए पिछले हफ्ते काफ़ी तादाद में पिस्ता, बादाम, गिरी, अखरोट, काजू और दीगर मेवाजात लाया था, और इसके नसीब में चंद दाने ही आए थे, और बकौल सुलेमान के इस गिलास में जो मेवाजात थे वही बचे हैं। साहब, आप भी क्या याद करेंगे? आपके मोहतरम, मेरा मतलब है आगा सुलेमान पाशा ने सारे मेवाजात खुद खाए हैं ताकि प्रिंस का चांद अपनी जान बनाकर आपके हमरा मुख्तलिफ केसेस में हिस्सा ले सके और अपनी ताकत का सिक्का हर जगह जमा सके। लेकिन आप फिक्र क्यों करते हैं? आखिर मुझे आपकी सेहत की फिक्र भी तो है, इसलिए तो बाकी बचे हुए मेवाजात इस गिलास में मिला दिए हैं ताकि आप भी अपना हाफजा तेज कर सकें। सुलेमान ने फ्याजपन से मुस्कुराते हुए इमरान को जवाब दिया। क्या मतलब? मेरे इतने सारे मेवाजात तो एक हफ्ते में ही अकेले हड़प कर गया है? इमरान ने रो देने वाले लहजे में पूछा। जी हाँ, मानते हैं ना अपने बावर्ची को कि वो कितना बड़ा पहलवान है जो इतनी जल्दी इतने मेवाजात हजम भी कर गया। सुलेमान ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हाँ भाई, अब तो मुझे भी तुमसे डर लगने लगा है कि कहीं इतना बड़ा पहलवान मेरी मुरम्मत ही ना कर दे, इसलिए मुझे भी पहलवान बनना चाहिए। इमरान ने इस बार मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दूध का गिलास उठाकर बिस्मिल्लाह करके इसे पी गया, जिसमें सुलेमान ने वाकई मेवाजात मिक्स किए हुए थे। और फिर गिलास पीकर इमरान बैठकें लगाने लगा। साहब, ये आप बैठकें किस खुशी में लगा रहे हैं? सुलेमान ने इस बार हैरत से इमरान की तरफ देखकर पूछा। दरअसल आप जैसा अजीम प्रिंस तो मुफ्त के मेवाजात खाकर पहलवान बन चुका है, और मैं इसलिए बैठकें लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे आप जैसे अजीम पहलवान से कुश्ती सीखनी है ताकि कुछ दाव पेच आप जैसे अजीम पहलवान से सीख सकूँ। इस बार इमरान ने मुंह चलाते हुए अहमकाना लहजे में कहा। साहब, ये फाउल है, मैं खुद अभी पहलवानी के दाव पेच नहीं सीख पाया, इसलिए मैं आपको क्या सिखाऊंगा? सुलेमान ने घबराते हुए कहा, क्योंकि वो इमरान के लहजे को समझ चुका था कि अब इसकी खैर नहीं और इसकी दुर्गत बनने वाली है, और इमरान अपने मेवाजात का सारा बदला पहलवानी के दाव पेच में निकालेगा। मोहतरम पहलवान साहब, ज़रा मेरी बात सुनना, आपसे पहलवानी के दाव पेच के सिलसिले में बातचीत करनी है। इमरान ने इस बार उठकर मुक्का बनाते हुए सलमान को अपनी तरफ आने का इशारा किया। साहब, ये ज्यादती है। आप मुझ गरीब पे ये जुल्म अजीम नहीं कर सकते, वरना मैं आपकी शिकायत बड़े साहब और बड़ी बेगम साहबा से कर दूंगा कि आप हर वक्त चाय पीते रहते हैं और आपको अपनी सेहत की कोई फिक्र नहीं है। सलेमान ने इस बार घूरते हुए और थूक निकलते हुए खौफ से इमरान की तरफ देखकर कहा, ओ खुद ही करीब आ जा, वरना अगर मैं तेरे पास आया तो तेरी बतीसी निकाल कर रख दूंगा। सारे मेवाजात बगैर डकार मारे हजम कर गया है और अब पहलवानी करने से भी कतरा रहा है। इमरान ने इस बार मुंह चलाते हुए गुस्से से इसकी तरफ देखकर कहा, साहब ये गलत है, मैं अभी आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। इतने मेवाजात और आएँ तो इन्हें नोश फरमाकर मैं आपसे पहलवानी का शौक़ पूरा कर सकता हूँ। सलेमान ने गड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अच्छा तो अब मैं और मेवाजात लाऊं? अपनी खुशी से मेरे पास आ जा, वरना तेरी वो दुर्गत बनाऊंगा कि तुझे नानी और परनानी याद आ जाएगी। इमरान ने हुक्माना लहजा होने के बावजूद गुस्से से कहा, क्योंकि इसे शदीद गुस्सा आ रहा था कि इसकी इजाज़त के बगैर सलेमान इसके सारे मेवाजात डकार गया था। साहब, आपका ये फलादी मुका देख कर तो मुझे परनानी की भी परनानी याद आ गई है, इसलिए मुझे गरीब पर रहम करें। सलेमान ने इस बार मुस्कुराते हुए कहा, जैसे इसे इमरान के गुस्से की ज़रा परवाह न हो। इसका मतलब है मुझे खुद तुमसे पहलवानी के लिए पंजा आजमाई के लिए तुम्हारे करीब आना पड़ेगा। इमरान ने बदस्तूर मुक्का बनाते हुए कहा और सलेमान की तरफ बढ़ा। साहब, आप गुनाह के मरतकब में होंगे जो एक गरीब और अजीम बावर्ची के साथ दो दो हाथ करेंगे। देखिए मेरे करीब मत आइएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, हाँ समझे आप? सलेमान ने इमरान को अपनी तरफ आते देखकर कहा, हैं एक मेरे मेवाजात मेरी इजाजत के बगैर खा गया और फिर बदमाशी पर उतर आया है तू। इमरान ने इस बार हैरत से इसकी तरफ देखकर कहा, वैसे साहब अब आपको मिस जुलिया से शादी कर लेनी चाहिए, इसके बाद ही मेरे शागिर्द खास रॉबर्ट और मेरी शादी का प्रोग्राम भी बन जाएगा। इस बार सलेमान ने फौरन बात बदलते हुए कहा, क्या मतलब है प्यारे, ये अचानक तुझे शादी का ख्याल क्यों आ गया? इमरान ने हैरत से दीदे मटकाते हुए पूछा। साहब, जब आपकी शादी हो जाएगी तो मिस जूलिया आपकी सेहत का ख्याल करेंगी और नहलाएं धुलाएंगी और आपका खूब ख्याल करेंगी और आपकी खिदमत खूब करेंगी। सलेमान ने इस बार मुस्कुराते हुए इमरान को सुनहरी ख्वाब दिखाए। ओह, मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जो जूलिया मुझे नहलाएगी और धुलाएगी? सलेमान की बात सुनकर इमरान ने फिर मुक्का बनाते हुए इसकी तरफ गुस्से से देखकर पूछा, साहब वो मेरा मतलब है मिस जूलिया आपके हाथ नहलाएं धुलाएंगी और आपको अपने हाथों से खाना बनाकर पेश करेंगी? सलेमान ने इमरान को मुक्का बनाते देखकर गड़बड़ाते हुए कहा, और वो तेरी नानी थेरेसिया, क्या वो इस बात को बर्दाश्त करेगी कि मैं जूलिया से शादी करूं? क्या तुझे सुर्ख क़यामत वाला सीन याद नहीं है जब मेरी और जूलिया की शादी की ऐन मौके पर थेरेसिया सबके सामने जूलिया को अगवा करके ट्रांसमिट होकर खिला में छोड़ आई थी? इमरान ने कहा, इसलिए इसके लिए मोहतरम जनाब ज़हीर अहमद साहब के फुल साइंस फिक्शन ख़ास नंबर सुर्ख क़यामत का मताला करें। हाय थेरेसिया, काश वो आप जैसे अहमद की बजाय मुझ जैसे अजीम बावर्ची से शादी करती तो मैं इसे अच्छे अच्छे खाने खिलाकर खुश रखता। सलेमान ने थ्रेसिया के नाम पर अपने सीने पर हाथ रखकर हाय को लंबा करते हुए कहा, रॉबर्ट के साथ रह रहकर तेरे दिमाग पर भी इश्क का भूत सवार हो गया है। वो आशिक ज़्यादा भी हर हसीन लड़की पर मरता है और तू भी इसकी पैरवी पे लग गया है। हालांकि थ्रेसिया एक जहरीली नागिन है जिसका कांटा शहद नहीं मांगता। इमरान ने हैरत से इसकी तरफ देखकर मुहावरे को बिगाड़ते हुए कहा, साहब मुहावरा नागिन का काटा पानी नहीं मांगता ये दुरुस्त है, ना कि शहद नहीं मांगता दुरुस्त है, मगर वो वाकई एक शहद की तरह है। वैसे आप तो इससे शादी करने से रहे, मगर मैंने अपने दिल में बसा लिया है और वो मेरी दिलबर जानिया है और बेशक वो आपके नज़दीक एक नागिन होगी, मगर वो खराफा की बच्ची है तो बेपनाह हसीन और मैं ऐसी हसीन नांगनों के जहर को निकालना अच्छी तरह जानता हूँ। सुलेमान ने इस बार सीना फैलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। इससे पहले कि इमरान सुलेमान की बात का जवाब देता, बाहर दरवाजे पर बैल बजने लगी। देख सुलेमान, बाहर किसके हाथ में खुजली हो रही है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा, जैसे इस मौके पर किसी का आ जाना इसे नागवार गुजरा हो। होगा कोई मांगने वाला और इस कंगाल फ्लैट वालों से कोई चीज़ लेने के लिए आया होगा। मगर इस भूखे नंगे और बदबूदार और गंदे फ़कीर को क्या मालूम कि ये फ्लैट तो खुद दूसरों के सहारे पर चल रहा है, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए ऊंची आवाज़ में कहा, जैसे बाहर मौजूद शख्स को ही ये बात सुनाना चाहता हो। मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोलो सुलेमान के बच्चे, वरना मैं दरवाज़ा तोड़ दूँगा। बाहर से सुपर फयाज की धारती हुई आवाज़ सुनाई दी। मेरे प्यारे दुलारे और भीख मांगने वाले, आपने किसी को पुकारा है? सुलेमान ने सुपर फयाज की आवाज़ सुनकर दरवाज़े के करीब पहुंचकर ऊंची आवाज़ में पूछा। मैं कहता हूँ सुलेमान के बच्चे, दरवाज़ा खोलते हैं या मैं इसे तोड़ दूँ? इस बार सुपर फयाज ने फिर धमकी देते हुए कहा। अच्छा, तो आपने आगर सुलेमान पाशा के बच्चे को आवाज़ दी है। फिर तुम मेरे प्यारे दुलारे फ़कीर, आपको इस दरवाज़े का दरबान बनना होगा, क्योंकि अभी तो आगा सुलेमान पाशा साहब कमा रहे हैं। जब इसकी मिस थेरेसा से शादी हो जाएगी और बच्चा हो जाएगा, और बच्चा जब बड़ा होगा तो इस वक्त आप मुअज़्ज़िज़ भिखारी के लिए दरवाज़ा खोलेगा, सुलेमान ने कहा। ओ बावर्ची की औलाद, मैं फिर कह रहा हूँ कि थेरेसा एक जहरीली नागिन है और वो मेरे बावर्ची की दुल्हन नहीं बन सकती, लिहाजा कोई और दुल्हन तलाश करो। बाहर सुपर फयाज को इमरान की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। साहब, तो फिर मैंने मिस नानूता को अपने लिए जीवन साथी चुन लिया है, क्योंकि कर्नल फरीदी साहब इस बदबख्त और बेचारी मजलूम हसीना को घास नहीं डालते। मैं इस फितना, मेरा मतलब है, हसीना से शादी कर लूँगा और जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो वो इन मुअज़्ज़िज़ फ़कीर यानी इस बेचारे फ़कीर के लिए दरवाज़ा खोल देंगे। सुलेमान की अहमकाना आवाज़ सुपर फयाज को सुनाई दी तो इसका गुस्से से खून खोल उठा। सुलेमान के बच्चे, में तेरा खून पी जाऊंगा, खोल दरवाज़ा, सुपर फयाज ने इस बार धारते हुए कहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल।